जो ये गाड़ी से सेवा लेने आते हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एक सेवा छूटी बाबेरी फेरी टूटी, तो इसका साइज क्या है, कितने फुट का ये? 8 फुट का घोड़ा। जय बाबेरी भक्तो। तो अभी हम है मंडाल और बाणे का गांव पे, एक चौराहा जाता है वहां पे खड़े हैं, नवन गौशाला के पास खड़े हैं। और यहाँ बाबा रामदेव जी की एक बहुत ही शानदार सैंड ड्यून से बनाई गई मूर्ति है, देख सकते हैं आप। जय बाबेरी भक्तो, जय बाबेरी सा। तो बीकानेर में हर साल बनती है और इस साल जो बनी है यहाँ पे नंद भवन गौशाला पे बनी है। जय बाबेरी भक्तो। राइडर मिल चुके हैं हमें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमजीत है भाई साहब। क्या? परमजीत। परमजीत गिल? नहीं, परमजीत बेरवाल। अच्छा, यात्रा हमारी 6-7 दिन की रहने वाली है पैदल यात्रा, और तापमान गर्मी भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, 44 डिग्री। आइसक्रीम खानी? जय बाबेरी भाई। कितना रही है? बेचने वाली कौन है? सेवा में लो जी, पैदल आ, पैदल आ लो सेवा में आ लो। चलो जय बाबेरी। आइसक्रीम मिल गई है, लेकिन पैदल ये गाड़ी वालों के चक्कर में हमको नहीं मिलती है, क्योंकि ये आगे ऐसे मंडे हुए रहते हैं तो फिर हमारी बारी नहीं आती है, क्योंकि हम इतना वेट भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें आगे चलना भी होता है। तो कहीं कहीं पे भी सेवा मिल जाती है तो ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, उस वजह से थोड़ा व्लॉग में थोड़े क्लिप कम लिए जा रहे हैं, तो अभी थोड़ा ठंड हो जाएगी। 5 बज चुके हैं अभी, लेकिन फिर भी धूप है। 6 बजे के करीब से बनाऊँगा मैं वीडियो। जय बाबेरी भक्तों। हल्की बारिश आ चुकी है और यात्रियों के लिए खुशखबरी है, और यात्री अब चालू हो चुके हैं क्योंकि 5 बज चुके हैं। जय बाबा री भक्तो। कहाँ से हो भैया? नौका से आए हैं ये यात्री। और कितना दिन हो गया? काल रवाना आया है नौखाऊँ बीकानेर, और आएंगे कॉलेज से आए हैं ये। गावनेरी गांव के अंदर पहुंच चुके हैं और शाम के 6 बज चुके हैं, और अब यात्री भी आने स्टार्ट हो चुके हैं पैदल यात्रा के साथ, देख रहे हो भाई। जय बाबेरी भक्तों, जय बाबेरी सा, जय बाबेरी, जय बाबेरी। अब मौसम भी एकदम अच्छा हो चुका है, वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है हमें पहुंचने में, इसलिए हम सबसे लास्ट में पहुंचते हैं। जय बाबेरी भक्तों, जय बाबेरी सा, जय बाबेरी भक्तों, जय बाबेरी सा। बोल दजा बंदे दारी रे हो। तो बीकानेर के संग वाले आ चुके हैं यहाँ पे, और अब हम राणेरी पहुंच चुके हैं। एकदम मालिक का बढ़िया, अभी तक का सफर एकदम मस्त है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाबे की कृपा है। मेडिकल सेवा है अगर हो तो? कहाँ पे मेडिकल की सेवा? थोड़ा सा निकलती है, थोड़ा सा राणेसी से निकलते ही मेडिकल की सेवा है। क्या नाम है मेडिकल की सेवा का? हेल्थ केयर ऑन कॉल की। हेल्थ केयर ऑन कॉल की वो टीम आई नहीं, बंदे कहे किधर है वो? आधे मेले घूमने गए, आधे वहीं पे है। जय बाबेरी भक्तों। अब पहुंच चुके हैं राणेरी गांव से आगे, जो ये गाड़ी से सेवा लेने आते हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हम पैदल वालों को सेवा देते हैं। हाँ, संकेत जाओ। लेकिन ये गाड़ी आगे जो गाड़ी वाले ये सेवा लेने आते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर ले कोई बात नहीं है, बाबे की सेवा। बाकी सबसे ज्यादा हम पैदल यात्री को ध्यान रखते हैं, अगर पैदल यात्री ले तो सबसे अच्छा है, बाकी नहीं तो अगर ले तो मना किसी को भी नहीं है। तो ज्यादातर जब लाइन लगती है तो पैदल यात्री तो सीधा चले जाते हैं, गाड़ी वाले ज्यादा आते हैं। तो पैदल यात्री जैसे हम आए बीकानेर से, तो हमें तो बहुत कम सेवा मिलती है, हम तो सीधे ही चले जाते हैं। तो ये जो गाड़ी वाले उनके आप क्या कहना चाहोगे गाड़ी वाले लोगों को? सर कहना क्या चाहेंगे, इनका कोई तो रूट अलग बनना चाहिए गाड़ी वालों का। जय बाबेरी। जयकारो लगा दो एक। एक सेवा छूटी बाबेरी फेरी टूटी, और भेलपूरी आ चुकी है यहाँ पे, भेलपूरी खाएंगे। और थोड़ी कौन सी सेवा? पिचके की सेवा? क्या पिचके की सेवा? हाँ, पानी पूरी की सेवा ढूंढ रहे हैं, पानी से पूरी की सेवा मिल जाएगी। पैसे की लगेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखेंगे। आगे नौखड़ा आएगा ना, तो वहाँ पे पानी पूरी अगर मिल जाएगी तो पानी पूरी खाएंगे। जय बाबेरी भक्तों, जय बाबेरी। और मौसम एकदम मस्त हो चुका है, अब ऐसे ही मौसम होना चाहिए, ऐसे मौसम में यात्रा करने का मजा आता है, क्योंकि धूप में है ना टेम्परेचर हाई होता है, तो
माथा दुखता है हमारा, तो उस चक्कर में और ये कैमरे वमरे सब हीट पे रहते हैं, तो और हमें ये भी दिक्कत होती है भाई, वीडियो एडिट भी करना होता है, चार्ज भी करना होता है। जय बाबेरी, ये जो बाइक पे ये टैक्सी वाले आते हैं सेवा लेने के लिए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बाबे की मेले है, प्रसाद चाहे बाइक वाला लो चाहे गाड़ी वाला, तो ये प्रसाद है, सब लो इसको। तो पैदल यात्रियों के लिए सबसे ज्यादा सेवा लगती है, लेकिन ये टैक्सी वाले भीड़ कर देते हैं, रोड को भी जाम कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक खतरा बनना रहता है यहाँ पे। तो पुलिस प्रशासन को इसमें देखना चाहिए कि भाई जो रोड पे गाड़ियां खड़ी है ना, उसको साइड में खड़ी करी जाए। तो पुलिस प्रशासन, अभी मेरे को इस बड़े राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है और इतने बड़े मेले में कहीं ना कहीं प्रशासन थोड़ा कमजोर दिख रहा है, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। बीकानेर से यात्रा तक देखा हमने, तो एक जगह पे पोस्टिंग नहीं देखी जहाँ पे वो खड़े हैं। जय बाबेरी भक्त। हमें राणेरी से थोड़ा सा आगे और ये एक भक्त मिले हैं, वो कपड़े का घोड़ा लेके आए, बहुत ही बड़ा घोड़ा है। तो इसका साइज क्या है, कितने फुट का ये? 8 फुट का घोड़ा है। अच्छा, और हम बीकानेर को चले थे 3 तारीख को। अच्छा, और ये घोड़े की बनवाई थे, ये जोधपुर से बनाया था। अच्छा, जोधपुर से बनाया, पूरा कपड़े का है घोड़ा? पूरा कपड़े का। और ये यहाँ पे क्या लगे हुए इसके? ये सिंगार है इसका। अच्छा, ये पूरा सिंगार है। तो ये कितने का पड़ा आपको पूरा घोड़ा सिंगार के समय? 70,000। कितना? 70,000 का घोड़ा लेके यहाँ पे ये चल रहे हैं। तो बारिश आती है तो घोड़ा ये गीला नहीं होता? अच्छा, थैली लगाते हैं, मेहनिया लगाते हैं, इसको पूरा ढकते हैं। अगर बाई चांस मान लो थैली और नहीं होती है तो ये पूरा भार हो जाता है, इसका 3 गुना ज्यादा भार हो जाता है, फिर लेके नहीं चल। तो कितने तारीख को निकले थे आप बीकानेर से? 3 तारीख को निकले हैं। तो और अब जो मेला है ना, वो कोलाइत से सांकला फांटा से आगे आगे रहेगा। तो सांकला फांटा से आप ये मेन रोड का दृश्य वीडियो आप देख रहे हैं। तो आज का ये वीडियो नोखड़ा तो रहेगा। जय बाबेरी। यात्रा में भक्त जो है राजस्थान नहीं, पंजाब, गुजरात, हरियाणा तक के आते हैं। तो ये एक भक्त हमें मिले हैं, कहाँ से हो? हरियाणा हिसार से। हरियाणा हिसार से आए हो, कितने दिन हो गए? 9 दिन हो चुके हैं, पैदल चल रहे हैं और कड़ी धूप में बाबे की यात्रा करते हुए यहाँ पे। जय बाबेरी साहब, बोलो बाबा रामदेव की जय। बाबेरी भक्तो जय बाबेरी साहब, जय बाबेरी भक्तों। तो यहाँ पे आ चुका है लाडका गांव, आ चुका है लाडका नया गांव, आ चुका है यहाँ पे, पहुंच चुके हैं अभी हम। जय बाबेरी भक्तों। तो अभी आ चुकी है भाई भक्तों के लिए यहाँ पे लस्सी की सेवा आ चुकी है पैदल यात्रियों के लिए। छाछ है ये, राजस्थान की गर्मी में दो चीज, पानी और छाछ मिल जाए तो बाकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चिमटो याद आवे ताते की फटकार है इसी का की गाड़ो चिमटो सुनता है कान खड़ा करे। हाँ, दूसरो बताओ। और भक्ता सगड़ा है प्रसाद लेर जाड़ो है, गर्मा गर्म प्रसाद बने रहे। आज बाबे रो जन्मदिन है, स्पेशल प्रसाद है, सबने लेर ही जाड़ो है, ठीक है? हाँ, गाड़ो बताओ। आइए आपको ले चलते हैं बाबा श्री रामदेव जी महाराज। जय बाबेरी साहब।
जय बाबेरी भक्तों, तो हमारे दोस्त मिलना है बीकानेर से। हाँ, क्या कहना चाहते हो? जय बाबेरी, जय बाबेरी। गुरु पाया है पूरा बीकानेर से। जय बाबेरी, जय बाबेरी। बीकानेर आया किस जी थे स्पेशल मिलने वास्ते, थारा हालचाल पूछने वास्ते। मैं किस जी किया रहे हो सफर, और किस जी हो थे? ठीक हो? एकदम ठीक है। तो अभी हम नोखड़ा टोल के पास पहुंच चुके हैं, और आज बीज है, और तो बाबा का जन्मदिन है, बाबा जी का जन्मदिन है, और आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे, और मैं सबसे लास्ट हूं पैदल यात्रा चलने में। जय बाबेरी भक्तों, जय बाबेरी भक्ता। बोलिए दादा, बंदे दारी ने रामा।